हे दोस्तों, मेरन भी वापस से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के लाइफ पेट्स के एक और नए एपिसोड पे। और अगर आपने पहले मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे मेरे 10 से ऊपर फिशेस मर गए थे मेरे वाटर टैंक के, और एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू यूज़ एंटी क्लोरिन। वो दो वीडियोज़ आप देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और छोटी वीडियोज़ है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपने एक्वेरियम को प्रॉपरली बिगिनिंग से सेट करने वाला हूँ, क्योंकि वो उसमें जो उसका जो पानी है वो पूरा ख़राब हो गया, और उसका जो पत्थर वगैरह है उसमें क्लोरीन जम गए थे, क्योंकि मैं एंटी क्लोरीन यूज़ नहीं कर पाया था, मेरे पास अनअवेलेबल था ड्यू टू लॉकडाउन। और तभी मैंने एक्वेरियम न्यूली सेट करने के बाद बोला था, और अब देख सकते हैं कि मैंने अपने एक्वेरियम को प्रॉपरली फुल सेट कर लिया है न्यूली। आप देख सकते हैं कि मेरे दो एक्वेरियम में क्या डिफरेंसेस है, पहले मेरा एक्वेरियम कैसा था और अभी न्यूली सेट करने के बाद क्या कैसा हुआ है। मैंने न्यू एक्वेरियम से हीटर हटा दिया, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है, हीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने हीटर निकल के बाहर रख दिया। जब विंटर आ जाएगा तो मैं हीटर को रख दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक एक्वेरियम को सेट करना है, और सिर्फ उसके पानी को ही नहीं, उसका एटमोसफियर, उसमें जो चीज़ें हैं उन सबको कैसे सेट करना है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू एक्वेरियम जो है उसका वाटर कितना फ्रेश है। तो फिर सबसे पहले तो आपको वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंश्योर करना होगा कि वाटर में कोई भी क्लोरीन वगैरह ना हो, या फिर कोई भी अनयूजुअल वाटर ना हो। आप अगर हो सके तो मिनरल वाटर यूज़ कीजिए, या फिर नॉर्मल टैप वाटर का पीएच आप देख लीजिए, और उसके बाद आप एंटी क्लोरीन यूज़ कीजिए। उसमें एंटी क्लोरीन का जो शीशी है कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी दोनों वीडियोस का भी आप जाके देख सकते हैं। और आपको ये मेंटेन करना होगा कि उसका जो स्टोन है वो प्रॉपरली वॉश्ड है ये करने से पहले, अप्लाई करने से पहले। और मैं जो है वो स्टोन्स को सॉल्ट से अच्छी तरीके से धोता हूँ, उसके बाद उसको ड्राई कर लेता हूँ सन हीट में मैं 1 से 1.5 घंटे रख के प्रॉपर ड्राई करता हूँ। उसके बाद एक्वेरियम में ऐड करता हूँ, और उसका जो जो अंडरग्राउंड जो डिज़ाइन वाले पेड़ पौधे हैं वो सब भी प्लास्टिक के बने होने चाहिए, उसके बैकग्राउंड पे या फिर साइड में कभी भी लाइमस्टोन वगैरह यूज़ नहीं होना चाहिए। लाइमस्टोन क्या करते हैं, उसका पीएच हाई कर देते हैं, उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बोला है, मेरे पिछले दो वीडियोज़ देख लेना आप लोग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थे वो वीडियोज़, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इन सबको आपको नोटिस करना होगा, और आपको उसका जो फ़िल्टर है वो भी प्रॉपरली वॉश करना होगा टाइम टू टाइम, और उसका फ़िल्टर जो है वो आपको चेक करना होगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और उसका जो फ़िल्टरिंग प्रोसेस है वो उसको आपको ब्रेक थ्रू करना, मतलब अच्छे से टेक केयर करना होगा, और आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम उसके वाटर को जो है चेंज करना होगा। अगर आप हफ्ते में हर दो बार आप वाटर चेंज करते हो, मतलब 4 दिन बाद अगर आप वाटर चेंज करते हो, उसका टॉप मोस्ट मतलब 1/3 वाटर चेंज करके न्यू वाटर ऐड करते हो, तो फिर आप नियर अबाउट 4 से 5 महीने बाद एक्वेरियम को वापस से रीसेट करना उनके पत्थर वत्थर धोके। और अगर आप ऐसा ना करते हो, मतलब आपको थोड़े लेट हो जाते हैं, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन उसके बाद आप वाटर को एक्सचेंज करते हो, तो फिर आपको मैं कहूँगा कि आप 3-4 महीने बाद ही वाटर को रीसेट कर दो, नहीं तो आपके फिशेस लॉस हो सकते हैं। मेरे मोर देन 10 फिशेस मारे गए थे, मैंने वीडियोज़ बनाया था, वीडियो बनाने के बाद भी और भी बहुत सारे फिशेस का लॉस हुआ था मुझे, और रिसेंटली मैंने अपने एक्वेरियम को कम्प्लीटली रीसेट कर दिया है, और आई होप कि अभी मेरे फिशेस कोई और लॉस नहीं होंगे, और मैं न्यू फिशेस भी ऐड करूँगा। कौन से फिशेस ऐड करने वाला हूँ वो सब भी आपको दिखाऊँगा, आपके साथ भी बात भी करूँगा कि कैसे उनको ऐड करना है। आपको ये श्योर करना होगा कि आपका जो वाटर फिल्टरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर हो, आपको आपका अगर ज़्यादा बड़ा फिल्टर हो, ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम हो और प्रॉपर फिल्टर ना हो, तो फिर आपको फिशेस लाइक कोरीकैट, क्रोकोडाइल वो सब रखना होगा। वो सब क्या करते हैं कि गंदगी खा लेते हैं। मेरे पिछले एक्वेरियम में क्रोकोडाइल था, कोरीकैट 2 थे, कोरीकैट यहाँ पे बहुत रेयर मिलता है, तो कोरीकैट मेरे पास 2 ही थे, सिर्फ 1 एक्सपायर्ड हो गया, क्रोकोडाइल भी मेरे एक्सपायर्ड हो गया, ड्यू टू दैट इन दैट लॉस मेरा बहुत से फिशेस लॉस हो गए। सो आई होप कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप प्रॉपरली एक्वेरियम को मेंटेन करो और आपका कोई भी फिशेस लॉस ना हो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे यही मोटिव था, आप देख लीजिए कि कैसे मैंने अपने एक्वेरियम को सेट किया, और पिछले वाला एक्वेरियम से ये एक्वेरियम कैसे डिफर कर रहा है, और क्या क्या चेंजेस मैंने लाए हैं, और क्या कैसे कैसे आपको भी करना होगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।